हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम लेडी गोपाल जी के लिए ये धोती, ये देखिए, ये कुर्ता और ये पटका बनाएंगे। ये पोशाक हमने 7 नंबर की कान्हा जी के लिए बनाई है, बट वीडियो के अंदर हमने सभी साइज के लिए मेजरमेंट बताया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली ये पोशाक सभी साइज के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। और ये देखिए, बहुत हैवी पोशाक हमने बनाई है और बहुत ही सिंपल वे में। सिर्फ देखिए, यहाँ पे आपको डबल क्रोशे का यूज़ दिख रहा होगा, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ डबल क्रोशे का यूज़ है। यहाँ पे अभी ग्लू लगा हुआ है जो सूखा नहीं है, इसलिए ये वाइट है, सूख जाएगा तो वो नहीं दिखाई देगा। और इसे पहनाना भी बहुत ईजी है। ये देखिए, यहाँ से डोरी है और इसकी कमर भी काफ़ी ज़्यादा है, जो आपको वीडियो पूरी देखने पर पता ही चलेगी। तो ये है हमारी आज की ड्रेस। इसे बनाना बहुत ही ईजी है गाइस, बहुत सिंपल वे में हमने बताया है, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप इस तरह की पोशाक परचेज करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके ड्रेस परचेज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन मिला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस, मैं कोशिश करूँगी कि ये चोली की, सारे साइज के चोली की वीडियो जितनी भी मैंने अभी तक अपलोड कर रखी है, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। वहाँ पे आपको 0 से लेकर 6 नंबर तक एक कान्हा जी की चोली की वीडियो मिलेगी। 0 नंबर के कान्हा जी की एक वीडियो है, फिर 1 से 2 नंबर की है, 3 से 4 नंबर की है और 5 से 6 नंबर की, टोटल 4 वीडियो अपलोडेड है। और एक बेस के साथ है 7 नंबर के कान्हा जी की चोली, मैं वो भी दे दूँगी लिंक। तो गाइस, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी पोशाक। ये देखिए गाइस, सबसे पहले तो हमने यहाँ धोती बनाने के लिए येलो कलर में ऊन लिया है और इसके साथ हमने ये 9 नंबर की क्रोशिया हुक ली हुई है। आप देखें, ये 9 नंबर की है। हमने यहाँ एक पैर बना लिया है, तो हम अगर इसे मेज़र करते हैं तो ये देखिए, यहाँ से ये है 4.25 इंच, ये इतना है 4.25 इंच। और अगर हम इसे यहाँ से मेज़र करते हैं, ये देखिए, तो ये हमारा 4.1 इंच है, बहुत हल्का सा कम है, तो उतना हमारा चल जाएगा। मतलब जितना हमारा इधर होना चाहिए उतना ही हमें इधर से भी रखना है। अब ये हमने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। जैसे जैसे आपके कान्हा जी का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको इसे 0.2 बढ़ाते जाना है। 0.2 हम देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, अगर ये हमारा 2 इंच है, अगर हम यहाँ से 1 और 2 पॉइंट आगे जाते हैं तो ये हमारा 0.2 हो जाएगा। फिर हम 2 पॉइंट आगे जाएंगे तो फिर ये हमारा 0.4 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये हमने देखिए 4.2 इंच किया है 7 नंबर के कान्हा जी के लिए। 8 नंबर के लिए आपको इसे 4.5 कर लेना है, 0.25 इंच हम बढ़ जाएंगे। ऐसे करके जब हम इसे 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाएंगे तो ये देखिए 0.25 इंच हम घट जाएंगे, यानी कि हमें 3.75 इंच इतना रखना है। ऐसे करके ये इसकी लंबाई बढ़ती और घटती जाएगी। अब देखते हैं कि हमने यहाँ कितनी चेन बनाई है। तो चेन मैं आपको बता दूँ, कभी कभी हमारा ऊन मोटा और पतला हो जाता है, इसलिए मैंने आपको चेन की जगह पे इंच टेप से मेज़र करके बताया कि आप मेज़र कर लें, वो सबसे परफेक्ट होता है। बट मैं आपको चेन भी बताती हूँ। यहाँ पे हमने टोटल 23 चेन बनाई है, 23 चेन बनाई है। ये देखिए, इसे हमने ऐसे एक लूप बनाई। अब यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये देखिए, हमने यहाँ 23 चेन बना ली। अब एक चेन तो हमारे हुक में ही है, इसके बाद वाली भी एक चेन छोड़ देंगे और तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे करके हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए, तो ये हमने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 23 चेन बनाई है। जैसे जैसे आपके कान्हा जी का नंबर बढ़ता जाए, वैसे वैसे आप एक एक या दो दो चेन बढ़ाते जाएं, और जैसे जैसे आपके कान्हा जी का नंबर घटता जाए, आप एक एक या दो दो चेन कम करते जाएं। हमारी ऊन जैसे ही मोटी और पतली होती है, उसी हिसाब से ये बनेगा। तो इससे अच्छा है आप मेज़र कर लें, चेन बनाने के बाद यहाँ से आप एक बार मेज़र कर लें, वो आपका परफेक्ट आएगा। तो चलिए, हम यहाँ एक लाइन पूरा डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर सेकेंड रो से आपको दिखाएंगे कि कैसे बुनाई करनी है। ये देखिए, हमने यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब सेकेंड रो हम कैसे स्टार्ट करेंगे वो देख लेते हैं।
ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक और दो चेन बनाएंगे। अब सेम चेन में यहीं पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद हम सभी चेन में एक एक बार बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, हमने यहाँ दूसरी रो बना ली। अब थर्ड रो के लिए फिर से हमें वही करना है, दो चेन बनाई। पहली चेन में हमने एक और दो, सॉरी, पहली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई और फिर दूसरी चेन में एक बार बनाएंगे। ऐसे करके हम सभी चेन में एक एक बार बनाते जाएंगे। बस जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम दो चेन बनाएंगे और उसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे इसकी स्टार्टिंग करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने टोटल 10 रो बनाई है। यहाँ पे 1, 2 रो हुई है, हम तीसरी रो बना रहे हैं। तो ऐसे करके हम इसे भी टोटल 10 रो बना लेंगे तो ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। चलिए हम 10 रो बना लेते हैं। आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है, जितने भी हमने यहाँ फंदे डाले हैं, जितनी यहाँ पे चौड़ाई आ रही है उतनी ही हमारी इसकी यहाँ से लंबाई आनी चाहिए। जितनी यहाँ पे चौड़ाई है उतनी ये लंबाई है, तो बस हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। तो चलिए हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने अपना ये दूसरा रो बनाया वैसे तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ, सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ, दसवाँ। तो चलिए ऐसे करके हम इसे कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ इन दोनों को बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे हम ऐसे करेंगे, ये ऐसे हमने जोड़ना है। ये हमने इधर से ही स्टार्ट किया था और इसे हमने इधर से स्टार्ट किया था, तो इन्हीं दोनों को हमें ऐसे यहाँ से इतनी दूर सिलना है। थोड़ी दूर हम सिलेंगे ऐसे, ये देखिए, ये हम इतनी दूर लगभग 1.25 इंच हमें सिल देना है। तो यहाँ पे हम इसे क्रोशिए की हेल्प से ही सिल देंगे। आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से सिलें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे चाहें सिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हम इसे क्रोशिए की हेल्प से सिल रहे हैं। बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी हो भी जाता है। ये देखें, हमें सुई ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से ये डाला, निकाला और हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई। फिर नेक्स्ट चेन में किया ये देखिए, दोनों को बस हमें ऐसे फंसाते जाना है, बुनते जाना है, बहुत ईजीली हो जाएगा। ये ऐसे करके, ये देखिए हमने इसे सिल दिया। अब यहां से हम नॉट लगा के कट कर देंगे। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लिया, यहाँ से ये हमने इतनी दूर सिला हुआ है इसे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर ये डोरी डालनी है। तो हमने देखिए सिंपल सा चेन बनाया है, कुछ भी नहीं किया है, तो इस डोरी को हम यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे। ये पूरे यहाँ से यहाँ आते हुए और यहाँ तक डालेंगे। हमने देखिए इस साइड ज्वाइंट किया है, तो हम यहाँ से डालना शुरू करेंगे, ये पूरा यहाँ तक हमें डालना है। तो चलिए हम इसे डालते हैं। इसे डालना बहुत ही ईजी है, यहाँ से ऐसे करके हमें फंसा के निकाल लेना है। ये हम इसे जितनी दूर डाल रहे हैं यही हमारी कमर है। फिर देखिए यहाँ पे ये एक चेन छोड़ेंगे और बहुत ज़्यादा दूर गैप नहीं देंगे हम, नहीं तो सेप नहीं अच्छा आता है। तो हम यहाँ पे तीन तीन चेन का गैप देते हुए डाल लेंगे, ये देखिए ऐसे करके, ऐसे। तो ऐसे करके हम इसे डाल लेते हैं पूरे में, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ ऊपर ऊपर से डोरी डाल दी है, यहाँ पे हल्की सी सिकन आ गई है, तो हमें यहाँ पे सिकन ही देनी है। ये हमारी कमर है, ये देखें, ये है हमारी कमर। अब हमें क्या करना है, इसे हम ऐसे कर लेंगे, ये देखिए
ये हमारी धोती का सेप ले चुका है। ये देखिए ऐसे करके आएगी गोपाल जी की धोती। और यहाँ पीछे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ये दो चिटचैट बटन लगानी है, जिससे एक हम यहाँ लगा देंगे और एक हम यहाँ लगा देंगे, जिससे ये पीछे से भी ऐसे बंद हो जाए। और ये देखिए फ्रंट से तो ये बंद है ही। अब हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है, तो चलिए हम उसे बनाते हैं। और इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने यहाँ ये मरून कलर का ऊन लिया है। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, तो ये हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चेन बनाई। एक और बना लेते हैं, 11। अब एक चेन छोड़ देंगे और इसके बाद वाली दूसरी चेन छोड़ देंगे, और तीसरी चेन में हमने डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इसके बाद हम सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे करके हमें डबल क्रोशिया सभी चेन में एक एक बार बनाना है। तो चलिए हम सभी चेन में एक एक बार बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ सभी चेन में एक एक बार बना ली डबल क्रोशिया। अब हम इसे पलट लेंगे और पहले हम दो चेन बनाएंगे, ये हमने दो चेन बनाई। फिर हम इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए हम एक रो पूरी करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ दो रो बना ली है। अब तीसरी रो से हमें इसे घटाना है, क्योंकि हमें यहाँ से ये तिरछा वाला शेप चाहिए, तो हम दोनों साइड से एक एक फंदा कम करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, दो चेन बनानी है। अब हम क्या करते थे, हम इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाते थे, तो हम ये चेन छोड़ देंगे और इसके अगली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे ये हमारा घटने लगेगा। तो सेम हमें उधर भी करना है, उधर भी हमें एक चेन का गैप देना है। तो चलिए मैं भी लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम गैप देंगे। ये देखिए ऐसे करके हम यहाँ से सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और लास्ट में आने के बाद बस हमें एक चेन का गैप दे देना है। अब यहाँ हमारी दो चेन बची हैं, तो एक हम छोड़ देंगे और एकदम लास्ट वाली में हम बना लेंगे। तो हमने एकदम लास्ट वाली में बना लिया। अब फिर हम यहाँ दो चेन बनाएंगे, और सेम चेन में हमें नहीं बनानी है, फिर हम अगली चेन में बनाएंगे, क्योंकि हमें घटाना है। ये हमने अगली चेन में बनाया, फिर सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे करके बहुत इजी है इसे बनाना। अब देखिए यहाँ फिर दो चेन बची हैं, तो एक को हम छोड़ देंगे और लास्ट वाली में डबल क्रोशिया बना लेंगे। अभी देखिए ये हमारा पतला होता जा रहा है ऊपर से, तो फिर हमने दो चेन बनाई। अब अगली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर नेक्स्ट चेन में हमने एक बार बनाई, फिर नेक्स्ट चेन में हमने एक बार बनाई, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार बनाई, और फिर यहाँ हमारी दो चेन बची हैं, तो लास्ट वाले में हम एक बार बना लेंगे। ये देखिए ये हुआ, फिर हमें वही चीज करनी है। ये अब यहाँ लास्ट वाले में हम एक और बना लेंगे। तो अब हम इसे इसके साथ अटैच कर लेते हैं, यहाँ एकदम बीच में लगाएंगे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी। तो हम इसे हल्का सा ढीला कर लेते हैं, जिसे हमें हमारी ये देखिए जो बीच वाली हमने सिलाई लगाई थी, इस पर हम इसे ऐसे रखेंगे और यहीं पे हम इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हम इसे ऐसे कुर्सी की हेल्प से यहीं पर अटैच कर देंगे। ये हमने अटैच कर लिया, यहाँ से नॉट लगा के कट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे ये धोती बना ली, इसके ऊपर इसे लगा भी दिया है। अब हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरह की लेस आती है, वो हमने लिया है। इसमें नग लगे होते हैं छोटे छोटे, तो इसे हम कट करके इसके ऊपर ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपकाएंगे। तो हम इसमें से ये दो लाइन कट करेंगे।
ये देखिए गाइस, हमने यहाँ इसके ऊपर ये नग लगा दिए। अभी यहाँ से ही हमारा फैब्रिक ग्लू जो वाइट वाइट दिख रहा है वो सूखने के बाद हमारा नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पे हमने ये दो बटन लगा लिए हैं गोल्डन कलर में। हमारी धोती बन के कम्प्लीट हो गई है। अब देखिए पटका भी देख लेते हैं। पटके में हमने थोड़ा काम कर लिया है, आप देखें जो जैसे हमने ये स्टार्टिंग में इसकी बनाई थी यहाँ से यहाँ तक वही चीज़ है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे हमने एकदम ये पतला सा ऐसे बुनते चले आए हैं। यहाँ पे हमने तीन फंदा रखा है, दो हमने चेन बनाई है और दो बार हमने डबल क्रोशिया बनाई है। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आपको। ऐसे ही सिंपल सा हमने बुन लिया है। ये हमारा पटका है, तो ये हमने ये देखिए दो चेन बनाई। अब हमने इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर हमने लास्ट में एक बार डबल क्रोशिया, ऐसे करके इसे बुना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से फिर हमें इसे ऐसे चौड़ा करना है, लास्ट में जाके एकदम चौड़ा होगा। तो वो हमें कैसे करना है हम देख लेते हैं। हमने यहाँ देखिए एक दो दो चेन बनाई। अब इसी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके बाद वाली चेन में हमने ये देखिए एक बार बनाया, सेम चेन में हम एक बार और बना लेंगे। अब यहाँ से ये हमारा चौड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर हमने दो चेन बनाई, सेम चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, बीच वाली में हमने एक बार बनाई, अब लास्ट वाली में हम दो बार बनाएंगे। ये हमारा लास्ट है, इसमें हमने एक बनाया और ये हमने एक और बना लिया, दो हो गया। फिर हमने एक दो दो चेन बनाई, बीच फर्स्ट में हमने एक बार बनाया, फिर हमने एक बार मतलब हमें एकदम किनारे किनारे दो दो बनाना है। तो ये देखिए ये लास्ट वाला है, इसमें हमने एक और दो बना लिया। अब देखिए फिर यहाँ हमने दो चेन बनाई और सेम चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर हम एक बार बनाएंगे, सभी में हमें एक बार बनाना है, लास्ट वाली में हम दो बार बना लेंगे। और ये देखिए ये हमारी लास्ट है, इसमें हमने दो बार बनाया। जो हम चेन बना रहे हैं दो दो, उसे भी हम डबल क्रोशिया ही मानते हैं, इसलिए हमने पहली वाली में एक बार दो चेन बना दी है और एक बार डबल क्रोशिया बना दी है। ऐसे करके हम इसे बढ़ा लेंगे। अभी हमारा चौड़ा हो रहा है, ये देखिए एक बार हमने दो चेन बनाई, फिर एक बार डबल क्रोशिया बना ली, और यहाँ सभी चेन में एक एक बार बनाएंगे, लास्ट में जाके हम दो बार बना लेंगे। ये देखिए लास्ट में ये हमने एक और ये दो बनाया। अब देखिए एक चीज़ आपको करना है, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस है हमारी डबल क्रोशिया। यहाँ पे देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हैं। अभी हमें यहाँ पे दो फंदे और बढ़ाने हैं, मतलब हमें दो बार डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा करनी है। यहाँ भी हमें दस करनी है, तो ये देखिए ये दो हुई, तीन चार पाँच छः सात, और ये लास्ट में हम दो बना लेंगे, ये आठ और ये एक नौ, ये हो गया। अब ये वाली रो हम बुनेंगे तो इसी में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, दस बार हो जाएगा हमारा डबल क्रोशिया टोटल। ये देखिए ऐसे करके बहुत इजी है, और मैंने आपको सभी साइज के लिए बता दिया, आप सभी साइज के लिए बना सकते हैं। अब ये लास्ट वाले में हमने दो बार बना लेना है, एक और ये एक दो, दो हो गया। अब यहाँ हमें क्या करना है, देखिए हमने दो चेन बनाई, पहले भी हमने एक बार बनाया, अब इसके बाद हम सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे और लास्ट में हम इसे नॉट लगा के कट करके ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। अभी हमें यहाँ मरून कलर से आउटलाइन भी देनी है, तो हम देखेंगे कि हमें आउटलाइन कैसे देनी है। पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी, हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा बस डबल क्रोशिया चला के आपको बता दिया बनाना। यहाँ से हम नॉट लगा के कट कर देते हैं। ये हमारा काफ़ी लंबा सा पटका हो गया है, क्योंकि ये गले के पीछे से आता है और हाथ में से ऐसे निकलता है दोनों साइड से, तो हमें थोड़ा लंबा चाहिए होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये मरून कलर वाला ऊन लगा लिया है नॉट लगा के। अब हम इससे बुनाई स्टार्ट करेंगे।
हमें यहाँ देखिए कैसे बुनना है। सबसे पहले तो हमने एक चेन बनाई, अब हमें हाफ़ डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए ये तीन फंदा है, इकट्ठा उतार देंगे, यहाँ से फंसाया, ये डाला, निकाला, जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, बट यहाँ तीनों फंदे को इकट्ठा उतार देंगे। ये हमारी हाफ़ डबल क्रोशिया है। ऐसे ही करके हम यहाँ आउटलाइन देंगे। ये देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा हमारा मरून टच आ जाएगा। ऐसे करके हम इसे आउटलाइन देंगे। ये पूरा हमें यहाँ से यहाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ, यहाँ तक, यहाँ पे ले आके हम इसे ख़त्म कर लेंगे। चलिए हम पूरा आउटलाइन दे लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पटके के ऊपर आउटलाइन कर दी है। अब हमने यहाँ इस तरह की लेस ली हुई है, आप देखेंगे ऐसे ही है, इसे हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ बीच में तो हमें एक बार ही ऐसे लगानी होगी, ये देखिए ऐसे करके लगाएंगे, बट यहाँ पे हमें इसे ये ऐसे करके लगाना है, पूरा ऐसे हमें आउटलाइन पे लगा देना है, ये ऐसे करके पूरा यहाँ से यहाँ। तो हम चलिए इसे लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ इसके ऊपर ये लेस लगा ली है और हमने यहाँ ये चोली भी तैयार कर ली है। चोली की काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ पे आपको 0 साइज़ की, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर तक की चोली हमने अभी तक अपलोड कर रखी है। बाकी मैं धीरे धीरे सभी साइज़ की चोली अपलोड कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही अपलोड कर दूँ, तो वहाँ से आप देख के चोली बना सकते हैं, इसलिए मैंने चोली की वीडियो इसमें नहीं डाली है। ये मैंने 7 नंबर के कान्हा जी की बनाई है, तो 7 नंबर के कान्हा जी की चोली की वीडियो अपलोडेड है, बेस उसके नीचे का घेर भी अपलोडेड है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लें। बस इसमें हमने कुछ क्या किया है, ये देखिए ये ऐसे रफल बना दिया है। इसे कैसे बनाना है, सभी चेन में हमने दो दो बार डबल क्रोशिया बनाई है, यहाँ सभी चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाई है, और जो नग हमने यहाँ अपने धोती पे लगाया है वही नग हमने कट करके एक बार ऊपर यहाँ लगा दिया, और ये दो बटन हमने लगा दिए, तो ये ऐसे करके आ जाएगी गोपाल जी को। अभी ये सूखा नहीं है, अगर सूखा रहता तो मैं पहना के दिखाती, वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी और आपको थंबनेल में भी देख के पता लग जाएगा। ये देखें ये ऐसे करके आएगी ड्रेस, उनको बहुत सुंदर लगेगी गाइज। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।